युवा राजद द्वारा हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन। चिरकुंडा में युवा राजद के द्वारा हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ में चिरकुंडा मैथन पंचायत व कुमार धुबी से कुल 100 प्रतिभागी युवक व युवती शामिल हुए। यह दौड़ चिरकुंडा शहीद चौक से प्रारंभ होकर मुख्य सड़क होते हुए नेहरू रोड पेट्रोल पंप के समीप से लॉयल स्कूल होते हुए नगर परिषद कार्यालय होते हुए शहीद चौक में समाप्त हुई। युवा राजद के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार उर्फ बिट्टू मिश्रा ने बताया कि यह दौड़ कराने का मुख्य उद्देश्य है कि चिरकुंडा भ्रष्टाचार मुक्त हो। यहाँ व्याप्त प्रत्येक क्षेत्र में जिस भी तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है उसके प्रति नागरिकों में जागरूकता लाने का कार्य यह हाफ मैराथन करेगा। उन्होंने बताया कि दौड़ में विजेता आशीष कुमार साहु जो YSC क्लब मैथन से जुड़ा हुआ बच्चा है, वही 10 टॉपर धावकों को ट्रॉफी व सर्टिफिकेट देकर युवा राजद द्वारा सम्मानित किया गया। सभी प्रतियोगियों को इंडिविजुअल प्राइज भी दिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में राजद नेत्री सुनीता सिंह, विक्रांत मिश्रा, हरेराम यादव, सोनू खान, शेरू खान, नवाब प्रमोद, तेज नारायण साहु, कृति नारायण अग्रवाल, संतोष साहेब, फयाज आदि लोग का सराहनीय योगदान रहा। चिरकुंडा पुलिस की सराहनीय रही भूमिका। यह दौड़ मुख्य मार्ग पर होना था जिसको लेकर ट्रैफिक का परिचालन रोकना सबसे बड़ी चुनौती थी, पर चिरकुंडा इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह के द्वारा चयनित पुलिस पदाधिकारियों को दायित्व देकर इस दौड़ को सफल बनाने को लेकर राजनीति बनाई गई और शहीद चौक तथा पेट्रोल पंप नेहरू रोड के समीप पुलिस बल की तैनाती कर ट्रैफिक रोक कर दौड़ ही कराया गया। निशा से मधु गोराई की रिपोर्ट। चिरकुंडा वासियों को प्रणाम, आदाब, सलाम, सत्री अकाल। सभी मेरे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आज चिरकुंडा दौड़ा, जिया और जागा। आज हमारा चिरकुंडा जो चिरकुंडा हाफ मैराथन के नाम से, भ्रष्टाचार मिटाओ के नाम से हमने ये कार्यक्रम रखा था, आज यहाँ उपस्थित होके पूरे चिरकुंडा वासी, हम कहते हैं चिरकुंडा से बाहर से भी आने वाले ने ये उपस्थिति जताकर हम लोगों को बता दिया कि यहाँ का भ्रष्टाचार आने वाला पीढ़ी और युवा पीढ़ी, अभी का पीढ़ी मिटाने वाला है और मिटा देगा। आज हमारे युवाओं ने, हमारे बच्चों ने, हमारी बच्चियों ने जो ये जोश दिखाया, इतनी गर्मी होने के बावजूद आज जो दौड़ के दिखाया इन्होंने जोश, ये जोश सदा इनका बना रहे और इनको बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद भी करती हूँ आज पूरे चिरकुंडा वासियों को कि इन्होंने हर एक दुकान वाले मोबाइल से ग्रसित हो गए थे, पर आज एक बार फिर से वो दिन आ बैठा कि जहां हेल्थ और वेल्थ का हम लोग बात करें, हम लोग दौड़े और स्वस्थ रहे और चिरकुंडा हमारा स्वस्थ रहे।